نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأفدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه रबी यसर वला तुअसर वतम من बिल खैर व يا नस्तईन या عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين وبي زدني علما امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 75 करेंगे इंशाल्लाह हम डायरेक्ट शुरू करते हैं

Wow, क्या है हरफे अतफ है ठीक है हरफे अतफ है यानि कंजंक्शन है वाओ का तर्जुमा होगा एंड या फिर और और मिन मिन क्या है हरफे जर प्रपोजिशन है मिन का तर्जुमा होगा फ्रॉम या से ठीक है तो ये हम पहले भी वर्ड पढ़ चुके हैं व मिन अहले किताबी ये पूरा सेंटेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व और मिन से किस में से अहल किताबी अहल का एक तर्जुमा हमने आपको बताया है रिलेटिव्स रिश्तेदार यहाँ पर जो दू, दूसरा तर्जुमा है वाले का तर्जुमा कर रहे हैं हम ठीक है अहल और आल का एक तर्जुमा वाले भी होता है ठीक है वाले व वा और मिनसे आहल वाले किस वाले से किताब अल किसके लिए आता है किसी भी चीज़ को ख़ास करने के लिए प्रॉपर करने के लिए न किरा से मारिफा बनाने के लिए तो यहाँ पर अल यानि ख़ास किताब कौन सी किताब है यहाँ पर यहूद नसारा की तौरात और इंजील की बात हो रही है इसलिए अहल वाले अल किताब के रूट लेटर हैं काफ त किताब मतलब किताब द बुक इंग्लिश में हो जाएगा द बुक और उर्दू में सिर्फ किताब आपको खास कहने की ज़रूरत नहीं है वह और मिन से अहल वाले अल्कताब किताब वालों में से उल्टा तर्जुमा क्यों करेंगे क्योंकि मिन हरफे जर है इसलिए हम आगे के वर्ड को पहले पढ़ के फिर मिन को पढ़ेंगे उर्दू में व मिन किताबी और अहले किताब में से और किताब वालों में से मन अब मन मन के तीन तर्जुमे होते हैं जो जिसे और कौन ठीक है जो जिसे और कौन तो यहाँ पर जो का तर्जुमा हो रहा है का तर्जुमा हो रहा है हू होता है हुम होता है ठीक है हु और हुम, जी आप कुछ पूछ रहे हैं जी स्टार्ट हो चुका है हमने आ, दो अभी तीन ही वर्ड पढ़े हैं ना व मिन अहल किताबी व और मिन से अहल यानी वाले अल किताब वालों में से ये लोग ये एक एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और अहले किताब में से या किताब वालों में से यानी यहूद नसारा की बात हो रही है यहाँ पर मन जो इन इन इंशा इन, अल्लाह में हम पढ़ते हैं अगर इफ ठीक है इन अगर व और मिन से अहल वाले अल किताब वालों में से मन जो इन अगर ता मन हूँ तामन अब ये जो तामन है ये यतान का ता है तो ता हो गया हम इसको डिवाइड कर रहे हैं हमजा मीम नून इसके अंदर रूट लेटर आ गए और हु इसमें अटैच प्रोनाउन हो गया तो ता का मतलब हो जाएगा यहाँ पर तुम या यहाँ पर आप वसल्लम के ताल्लुक से अगर होगी बात तो आप वसल्लम आप ठीक है व और आ, मिन से अहल वाले अल किताब किताब वालों में से मन जो इन अगर ता मन ता तुम अमना ईमान अमानत रखो अमानत मतलब किसी के पास कोई चीज को रख देना किसी के ट्रस्ट में किसी चीज को दे देना टू एंट्रस्ट समथिंग अमानत रखो ठीक है अगर तुम अमानत रखो आप अमानत दें या फिर आप यूं भी कह सकते हैं ता आप अमाना अमानत दें अमानत दें यू एंट्रस्ट यानी किसी के ट्रस्ट में कोई चीज को दे देना ता तुम अमना अमान दे हु उसको हिम क्या है ये प्रोनाउन है मुत्तसिल है ठीक है ये वर्ड अभी दोबारा से रिपीट होंगे तो गौर से यहाँ पर देखें वह और मिन से अहल वाले किताब किताब वालों में से या अहले किताब में से मन जो इन अगर ता तुम अमाना अमानत दे दो हु उसको अगर तुम अमानत दे दो उसको किस चीज़ की बेतोरन ये ऑलरेडी हम वर्ड पढ़ चुके हैं किंतार मुकंद मुकंतरती हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह सुबहान बताया आठ चीजें ऐसी हैं जिसकी इंसान के अंदर मोहब्बत है औरतों की मोहब्बत ढेरों माल सोने चांदी की मोहब्बत और घोड़ों की मोहब्बत और खेतियों की औरतों की ये सारा हमने पढ़ा था किंतार वर्ड पढ़ा था उसके अंदर तो ये वही वर्ड है सेम इंतार का क्या मतलब होता है खजाना खजाना या ढेरों माल ढेरों माल ग्रेट अमाउंट ऑफ वेल्थ ग्रेट अमाउंट ऑफ वेल्थ ठीक है इसके रूट लेटर हैं चार लेटर बेस हैं ऑफ नून तोय ऑफ नून तोय यानी बहुत सारा खजाना ढेरों माल बहुत सारा माल ठीक है अमानत दो हू उसको बी हरफे प्रपोजिशन है बी का तर्जुमा होगा ऑफ की खजाने खजाने की अमानत दे दो या खजाने को अमानत में दे दो ठीक है व और असल में यहाँ पर बोलना कि यहाँ पर आयत का पहले हम मफहूम बता देते हैं तो आपको वर्ड समझ में आएंगे इनशा अल्लाह सुबहान यहाँ पर यहूद और नसारा की एक आदत और खसलत के बारे में बयान कर रहे हैं कि इनके अंदर ये आदत थी कि ये लोगों के साथ क्या करते थे मतलब इन इनका कॉन्सेप्ट ये था के और यहूदियों के तालमोत नामी किताब में ये बात लिखी हुई है कि अगर तुम किसी यहूदियों को धोखा दोगे तो तुम गुनाहगार हो जाओगे यहूदी से झूठ बोलोगे तो गुनागार हो जाओगे यहूदी का माल हड़प करोगे तो गुनागार हो जाओ लेकिन अगर कोई गैर यहूदी है अगर कोई नॉन यहूदी है तो तुम उसके साथ चाहे जिस तरह से माल हड़प लो चाहे उसको झूठ बोलो चाहे उसके साथ धोखा करो तुमसे कोई सवाल नहीं होगा ये इनकी किताब तालमूत में लिखा हुआ है तोरात तो असल अल्लाह सुबहाना तौला की तरफ से नाजिल हुई थी उसके बाद जो इनके पूरे रूल्स रेगुलेशन जो तालमोतनामी किताब में लिखे हुए थे तो उसमें ये बात भी लिखी हुई है कि तुम गैर यहूदियों को धोखा भी दे सकते हो वो तुम्हारे लिए ऐसे हैं जैसे कि जानवर जिस जिस तरह से जानवरों को कैसे हम का इस्तेमाल करने का हक रखते हैं वैसे ही दूसरे गैर यहूदियों को हम उनसे इस्तेमाल करके हम फायदा उठा सकते हैं ये इनका कॉन्सेप्ट था ठीक है इसीलिए ये क्या करते थे अगर किसी को माल ले लिया किसी से तो उसको लौटाते लौटाया नहीं करते थे क्यों क्योंकि ये तो गैर यहूदी है तो इसका माल लेना भी कोई गुना नहीं है अगर ये यहूदी का माल लिया होता तो हमसे क्या होती अल्लाह के वहां पूछ गछ होती ये इनका कॉन्सेप्ट था और यही चीज जो थी क्रिश्चन्स में भी थी कि वो लोग अपने वालों के साथ धोखा नहीं करेंगे लेकिन दूसरे वालों के साथ धोखा करेंगे तो अल्लाह फरमा रहे यहाँ पर कि कुछ लोग अच्छे भी हैं लेकिन अक्सर उनमें से ऐसे थे जो क्या करते थे अपनी नियत खराब कर लेते थे किसी की अमानत पर और उसको मा, अमानत नहीं लौटाया करते थे लेकिन कुछ लोग उसमें अच्छे भी हैं कि जब उसको ढेरों माल भी अगर दे देंगे तो वो क्या करेगा लौटा देगा लेकिन अगर किसी को एक दिनार भी देंगे दे देंगे तो वो ऐसा है कि उसको उसके पीछे पड़ जाओ उसके सर पे खड़े हो जाओ जब तक कि वो लौटाएगा नहीं यानी उसके हर वक्त दरवाजे को ठोकना पड़ेगा कि भाई मेरा मेरी अमानत थी मुझे वापस कर दो मेरा माल था मुझे रिटर्न कर दो यानी कि इन जिन जिनका मामला तो अल्लाह सुबहाना ने ये उन अच्छे लोगों का भी तस्करा किया है वो इसलिए किया है ताकि जो ये दाई का उसूल है ना एक दावत देने वाला जो होता है वो हर बुराई बुराई नहीं गिनता है बल्कि जो जिसके अंदर अच्छी बात होती है जो पॉजिटिव चीज़ होती है उसको वो भी क्या करता है मेंशन करता है उसको उजागर करता है ताकि उस इंसान को ये ना लगे कि ये तो बिल्कुल बस मेरे खिलाफ है अगर उस आप उसकी अच्छी बात को मेंशन करेंगे तो हो सकता है उसका दिल क्या हो दीन की तरफ जल्दी मायल हो जाए ठीक है तो यहां पर अल्लाह सुबान ने उनकी नियतों के मामले में बयान किया है ठीक है और ये कॉन्सेप्ट इसलिए उन लोगों ने बना लिया था कि उनकी किताब में ये चीज लिखी हुई थी कि तुम गैर यहूदियों को धोखा दे सकते हो यहूदियों को नहीं धोखा दे सकते तो अब आप देखें आप इंशाल्लाह आपको समझ आएगी बात वह और मिनसे अहल वाले अल किताब किताब वालों में से मन जो इन अगर ता तुम अमना अमानत दे दो हूँ उसको भी तौर इन भी की किसकी किंतौर खजाने की या ढेरों माल की अमानत दे दो अद्दी ही इलाई अद्दी यतान का या है या मतलब वो अद्दी के रूट लेटर है हमजा दाल या हमजा दाल या अदा करना अदा करना मतलब रिटर्न कर देना और ही जो है वापस से आ गया हु और ही एक ही बात है ठीक है जो अभी आया था ताम अन में तो ही मतलब अटैच प्रोनाउन जमीर मुतसिल है ये ही मतलब उसे उसे यानी उस माल को इट ई का ही जो है ना ये किंतार की तरफ जा रहा है कि वो जो रिटर्न वो जो किंतार है वो जो खजाना है वो उसको रिटर्न कर देगा कुछ लोगों की आदत ऐसी है कि वो ईमानदार हैं तो ईमानदारों की भी सिफत अल्लाह ने यहाँ पर बयान कर दी वो और मिन से किताब वाले अल किताब किता वालों में से मन जो इन अगर ता तुम अमाना अमानत दे दो हु उसको बिकिनतिन बी की अलतौार यानी खजाने की या ढेरों माल की या वो अद्दी अदा कर देगा रिटर्न कर देगा लौटा देगा ही उसको उस माल कोई काई का, का इला और का दो वर्ड है इला हरफे जर है प्रपोजिशन है इला मतलब तरफ टू या टू वर्ड्स का अटैच प्रोनाउन है मुतसिल है तो यहां पर का का तर्जुमा क्या होगा आप आपकी तरफ या आप आपके जाने ठीक है आपको तो यहां पर आपका तर्जुमा होगा टू यू टू यू क्या कहा ने? और किताब में से जो अगर ऐसे भी लोग हैं जो अगर तुम अमानत दे दो उसको ढेरों माल की ढेरों माल की या ख़जाने की या वो अद्दी अदा कर देगा रिटर्न कर देगा लौटा देगा ही उसको इला तरफ का आपकी तरफ अच्छे लोग ऐसे हैं वो अमानत की क्या करते हैं खयानत नहीं करते ढेरों माल भी होगा तो उसकी नियत उस पर नहीं खराब होगी और वो तुमको लौटा देगा व मिन व क्या है हरफे कंजंक्शन है, है वाओ का तर्जुमा होगा और एंड और मिन फिर से आया मिन मिन हरफे जर है प्रपोजिशन है मिन का तर्जुमा क्या होगा फ्रॉम या से किसमें से, किस से? हु अटैच प्रोनाउन है जमीरे मुतसिल है अभी अभी हम हम किसको कह रहे हैं इन अहले किताब को ठीक है तो उनमें से उनमें उन सब हम का मतलब होता है उन सब दे ऑल देम फ्रॉम देम उनमें से कैसे लोग हैं वह और मिन से हम उनमें से उल्टा तर्जुमा क्यों कर रहे हैं क्योंकि मिन हरफेजर है और उनमें से मन दोबारा आया मन का मतलब जो जिसे कौन लेकिन यहां पर जो का तर्जुमा होगा ठीक है इन अगर इफ इन का मतलब हो गया अगर इफ ठीक है अगर मन हूँ सेम देखें ये है ये यहाँ तक पूरा आएगा ये अहले किताब की जगह हुम आ गया सेम सेंटेंस है ठीक है व मिन हुम मन ता मन हूँ देखे व मिन हुम मन इन तामन हूँ सेम सेंटेंस है बस अहले किताब की जगह क्या आ गया हुम आ गया इसका क्या मतलब है ये हुम की जमीर जो है अहले किताब की जानिब लौट रही है ठीक है तो यहां पर क्या है व और मिन से हम उनमें से उनमें से किन में से उन अहले किताब में से मन जो वो भी है जो इन अगर हूँ वो यतान का ता है ताकत तर्जुमा होगा तुम या आप अमना रूट लेटर है इसके ईमान के रूट लेटर भी देखे सेम है ईमान भी क्या है एक किस्म की अमानत है ना हमारे तरफ तो अमाना इम, अमानत अमानत एंट्रस्ट और हु अटैच प्रोनाउन है जमीर है मुतसिल है हु मतलब उसे इट ता तुम अमानत दो हु उसे यानी उसको सॉरी इट नहीं हिम किसी शख्स की बात हो रही है हिम ठीक है व और मिन से हम उनमें से मन जो इन अगर ता तुम अमाना अमानत दे दोगे वो उसको अगर तुम उस शख्स को अमानत दे दोगे एक जगह किसकी बात आई किंतौर की किंतौर क्या कहे खजाने ठीक है खजाने ढेरों माल यहां पे देखिए किसकी बात आ रही है बीकिंतौर बी दीनार दीनार मतलब एक एक दीनार एक एक कॉइन तो यहाँ पर बी दिनार बी हरफे जर है हरफे जर प्रपोजिशन हरफे जर प्रपोजिशन है तो बी का तर्जुमा हम कैसे करते हैं फ्लेक्सिबल रखते हैं फ्लेक्सिबल मतलब जैसे हमारी आयत में सूट होगा हम वैसे ही उसका तर्जुमा करेंगे ठीक है तो बी का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा बी दिनार इन एक दिनार को या की अमानत दे दो एक दिनार को या एक दिनार की ऑफ या विद विद बी का तर्जुमा होगा ऑफ या विद की या को किसकी दीनार, दीनार के रूट लेटर हैं दाल नून रॉ दाल नून रॉ दीनार मतलब सिंगल कॉइन एक कॉइन एक दीनार, ठीक है एक दिनार एक कॉइन भी अगर तुम देगो, दे दोगे व और हम उनमें से मन जो इन अगर ता तुम अमाना अमानत दोगे हु उसको उस शख्स को यानी उन यहूद नसारा में से कोई ऐसे भी शख्स है अगर तुम उनमें उस शख्स को क्या दे दोगे अमानत एक दिनार की सिर्फ एक दिनार भी दोगे एक कोइन भी दोगे ला यूअि ही यहाँ पर आया अद्दी और यहाँ पर आया ला यूअी ठीक है तो इस, इसका ला का क्या मतलब होगा नहीं, नहीं यू ही, सेम वर्ड है या यतान का या है इसके रूट लेटर है हमजा दाल या या क्या है या हर इल्लत है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा लेकिन यहाँ पर मौजूद है वो ठीक है तो या हमजा दाल या अदा अदा के रूट लेटर आ गए और ही ही क्या होगा ही अटैच प्रोनाउन अटैच प्रोनाउन जमीरे मुत्तसिल अब जमीर मुत्तसिल को हम और क्या नाम कहते हैं फाइली जमीर या प्रोनाउन भी हम कहते हैं ठीक है उनके दूसरे नाम है तो नाम याद रखना जरूरी नहीं है मेन क्या है यहां पर उसका काम याद रखना जरूरी है तो ही का तर्जुमा क्या होगा ही सॉरी ला न, आ, ला नहीं ला का तर्जुमा हो गया नहीं ठीक है अब चूंकि ये यतान का या है तो या का तर्जुमा क्या होता है वो अद्दी का मतलब अदा करेगा अदा करेगा मतलब रिटर्न करेगा मतलब लौटाएगा लौटाएगा ही, ही क्या है उसको सॉरी उसको या उसे इट किस के, किस चीज की बात हो रही है ये यहाँ पर ही ही की जमीर जो जा रही है वो दीनार की जानब जा रही है ठीक है ये ही जो है वो दीनार की तरफ है ये हुम जो है ये अहले किताब की तरफ है जो प्लूरल फॉर्म में आया है वो अहले किताब की तरफ है और यहां पर भी देखें यू ही में ही जो था किंतौर की तरफ आया था यहाँ पर यह दीनार की तरफ आ रहा है फिर उसी तरह से ये हु जो था वो उस शख्स की तरफ आया है जो ये खयानत करता है यहाँ पर हु जो था वो उस शख्स की तरफ आया है जो अमानत दारी करता है ठीक है व और मिन से हम उनमें से मन जो इन अगर ता तुम अमना अमानत दो हु उसको भी दीनार इन बी की दीनार एक दीनार की एक कॉइन की सिंगल कॉइन की ला नहीं या वो अदी अदा करेगा ही उसको उस दीनार को अदा नहीं करेगा उस दीनार को नहीं लौटाएगा उस दीनार को रिटर्न नहीं करेगा इलाई का इला और का सेम वर्ड आ रहे हैं बार बार इला तरफ टू और का मतलब टू यू तुम्हारी तरफ आपकी तरफ आपकी तरफ या तुम्हारी तरफ और ये इला क्या है हरफे जर प्रपोजिशन है का क्या है अटैच प्रोनाउन जमीरे मुत्तसिल इला तरफ का आपकी तो आपकी तरफ या तुम्हारी तरफ तुम्हारी तरफ नहीं वो अदा करेगा नहीं वो लौटाएगा अब यहाँ तक देखें पहले वह और मिन से अहल वाले अल किताब किताब वालों में से उल्टा तर्जुमा कर रहे हैं मिन की वजह से मिन हरफेजर है जो भी हर फेजर होगा तो उल्टा तर्जुमा आगे के वर्ड का पहले करेंगे फिर हरफर का तर्जुमा बाद में करेंगे और अहले किताब में से देखें कुछ स्टूडेंट्स तर्जुमा यूं कर रहे हैं कि अहले किताब वालों में से तो या तो आप पहले किताब कहें या किताब वालों में से कहें दोनों वर्ड नहीं लड़ना है या तो अहल लाइए या वाले लाइए दोनों वर्ड एक साथ नहीं यूज करना और किताब वालों में से और अहले किताब में से मन जो इन अगर त तुम अमाना अमानत दे दो हूँ उसको बिकिंतौर इन बी की किन्तौर खजाने की या ढेरों माल की ला, आ, ही, या वो अद्दी अदा कर देगा ही उसको लौटा देगा उसको इला तरफ का आपकी तरफ यानी आपको वो लौटा देगा वह और मिनसे हम उनमें से मन जो इन अगर ता तुम अमाना अमानत दे दो हु उसको भी दीनार, इन, एक दीनार की भी ला नहीं या वो अद्दी अदा करेगा ही उसको नहीं लौटाएगा उसको इला तरफ का आपकी तरफ नहीं लौटाएगा आपकी तरफ मतलब उसकी नियत क्या हो जाएगी आ वो उसके ऊपर खयानत आ जाएगी और वो उसको नहीं लौटाएगा लेकिन किस कंडीशन में वो लौटा सकता है इल्ला हरफे है एक्सेप्टिव पार्टिकल है एक्सेप्टिव पार्टिकल इल्ला का मतलब जुमा होगा मगर या फिर सिवाय या फिर एक्सेप्ट एक्सेप्ट सिवाय इल्ला मगर ठीक है मगर सिवाय एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्टिव पार्टिकल आप इसको कह सकते हैं हर पे इस क्या होगा क्या कंडीशन होगी तो वो लौटा सकता है माँ ही का मा ही कायमन मा का तर्जुमा यहाँ पर हो जाएगा जब या जो क्या नहीं जो आता है ना हमारे पास तीन तर्जुमे माँ के क्या नहीं जो क्या नहीं जो तो यहां पर माँ का तर्जुमा होगा जो या जब ठीक है जो या जब का तर्जुमा होगा ठीक है That. के का तर्जुमा लिया गया है यहां पर माँ जो दुमता दुमता इसके रूट लेटर्स हैं दाल वाव मीम। दवाम कहते हैं ना हम दवा दवाम का मतलब क्या होता है हमेशगी हमेशा हर वक्त ठीक है उसी से बना है दुमता तो ये ता देखें किसका है ये पास्ट टेंस का ता है पास्ट यानी फेले माजी का अगर ये फेले माजी का ता है तो कौन सा ता होगा ये कोई बता सकता है ता का तर्जुमा क्या होगा अगर ताके ऊपर गया है तो ताके ऊपर सुकून मतलब वो ताके ऊपर जबर यानी तुम मर्द तुम मेल ता के नीचे जेर मतलब तुम फीमेल और ताके ऊपर पेश मतलब मैं तू मतलब मैं एग्जैक्टली exactly. तुम मेल यू मेल माँ जो या जो दुमता ता दुम दाल वीम दुम दुम का मतलब है जब तक आप रहे आप रहे आप रहे यू कीप कॉन्स्टेंटली का मतलब कीप कॉन्स्टेंटली कीप कॉन्स्टेंटली और ता का मतलब क्या होगा यू ता मतलब तुम और दुम दाल वाव मीम दोम का मतलब आप रहे रहे मतलब हर वक्त उस रहे कहाँ रहे अलई ही माँ जो दुम ता आप रहे अलई ही अला और ही दो वर्ड हैं अला और ही अला हर फिजर है प्रपोजिशन है अला का मतलब पर ऊपर ऑन अपॉन ओवर ठीक है ओवर ऑन अपॉन अला मतलब पर ही मतलब उस अटैच प्रोनाउन है जमीर मुत्तसिल है ही मतलब उस हिम अप ओवर हिम उसके ऊपर आप रहें कैसे खरे आ, कैसे रहें इमन ये वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं इम बिलक अल्लाह रब्बुल रबुलजत की सिफत में हमने पढ़ा था कि कायम करने वाला है किस चीज को किस्त को यानी इंसाफ को इल्ला सिवाय मा जो तुम रहे ता आप आप रहे अला पर ही उस पर उल्टा तर्जुमा करेंगे ही हर ही को पहले पढ़ेंगे आला को बाद में क्योंकि आला हर फिजर है औ इमन ऑफ वीम इसके रूट ले करम का मतलब होता है खड़ा होना खड़े रहे खड़े रहे स्टैंडिंग यानी हम कहते हैं ना सर पे मत खड़े रहो ये वो जुमला है ये एक्चुअली में मुहावरा है ये सर पे जब तक आप उसके खड़े नहीं हो जाएंगे वो जब तक देगा नहीं तो ये एक मुहावरा कहा जा रहा है माँ दुमता अल ही कमन ये मुहावरा है एक प्रोवर्ब है एक एक मुहावरे को क्या कहते हैं प्रोवर्ब ही कहते हैं ना माँ सिवाय माँ जो दुम रहे ता आप आप रहे अला पर ही उस पर खड़े तो उसके सर पे खड़े हो जाए उसको बार बार बोलते रहे तभी वो क्या करेगा वो एक दिनार भी लौटाएगा वरना उसकी नियत तो वो उस एक दिनार पर भी खराब हो जाएगी दालिका दालिका इसमें इशारा है का मतलब वो या ये ये या वो दैट का तर्जुमा कर ले, करेंगे दैट वो बी अन्नाम गालिका वो दैट बी अन्न हुम। बी अन्ना अन्न और हु तीन वर्ड हैं बी अन्ना और हु बी का तर्जुमा हो जाएगा यहाँ पर इसलिए बिकॉज और अन्ना का मतलब क्या होता है के दैट और हुम क्या है अन्ना के दो तर्जुमे है ना बेशक या के तो यहाँ पर के का तर्जुमा हो जाएगा इसलिए के और बी का तर्जुमा कैसा है जो सेंटेंस में फिट हो जाए तो हमने इसमें सेंटेंस में अगर प्रॉपर बैठेगा इसलिए तो हमने सूटेबल वर्ड ले लिया बिकॉज अन्ना के हम हम क्या है अटैच प्रोनाउन जमीरे मुतसिल मतलब इसलिए के वो सब दे वो वो सब दे ऑल इसलिए के बवजह इसके के वो वो सब जालिका वो भी इसलिए अन्ना के हम वो सब ओलू ओलू पास्ट टेंस है माज़ी है, रूट लेटर क्या होंगे इसके वलिफ किसके लिए आ गया प्लूरल के लिए जमा के लिए ठीक है और कौफ वाव लाम कौल का मतलब होता है कहना और वाहिफ मतलब वो सब वो सब कहते हैं वो क्या कहते थे वो कहते हैं रालिका वो भी अन्ना इसलिए के हम वो सब वाहिफ वो सब कौलू कहते थे कहते हैं लईसा लईसा के लईसा का तर्जुमा हम पहले भी देख चुके हैं लईसा मतलब नहीं नॉट और मेल फीमेल के लिए आता है तो क्या बन जाता है लईसत के ऊपर सुकून आ जाएगा लईसत बन जाता है और मेल के लिए लईसा वो इसलिए के हम वो सब पौलू वावलिको सब पौला कहते हैं लईसा नहीं अलई ना अलई ना, ना अला और ना अभी अल का आया था अलई ही आया था अभी अलई ना आ रहा है सेम अला हरफेजर है हरफेजर है प्रपोजिशन है अला मतलब पर ऊपर और ना का मतलब हमारे हमारे ऊपर हम पर अपॉन ऑन अस ऑन अस हम पर हम पर हम पर फमी ये ना अच्छा एक और चीज याद रखें अला जो होता है ना अला कभी कभी जिम्मेदारी के लिए भी आता है ठीक है अला जो होता है जिम्मेदारी के लिए भी आता है तो याद रखें अला का यहाँ पर तर्जुमा हम पर कोई जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी का भी तर्जुमा आप कर सकते हैं यहाँ पर तो ज्यादा सूटेबल हो जाएगा अल्लाह का तर्जुमा हो जाएगा जिम्मेदारी हम पर नहीं हम पर कोई जिम्मेदारी है, प्रपोजिशन है तो अल्लाह के हमारे पास अब तीन तर्जुमे हो गए ना ऑन अपॉन ऑन अपॉन ओवर तो एक ही बात होती है ऊपर 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 और एक होती है जिम्मेदारी जिम्मेदारी भी इंसान के ऊपर ही होती है ना हम कहते हैं ना जिम्मेदारियों का बोझ वो कहाँ होता है इंसान के ऊपर होता है ठीक है तो अला का तर्जुमा एक जिम्मेदारी भी होता है अला पर ना हम पर फी में हरफेज़र है प्रपोजिशन में मतलब इन ठीक है इन या कंसर्निंग कंसर्निंग में किस में किस बारे में अल उम्मी ना अल आ गया द के लिए इंग्लिश में उर्दू में इसका तर्जुमा नहीं होगा ये आम से खास करने के लिए होता है उम्मी हमजा मीम नून सॉरी हमजा मीम मीम इसके रूट लेटर है उम, उम्म से बना है और ईना आ गया प्लूरल है उम्मी किसको कहा जाता है अनपढ़ इलिटरेट अनलेटर्ड अनलेटर्ड अनपढ़ उम्मीओं, इसका तर्जुमा आप उम्मी भी कर सकते हैं किसको कहा कहते थे ये लोग उम्मी जो जिनको तौरात तो और इंजील नहीं मिली यानी वो समझते थे हम तो किताब वाले लोग हैं हमारे पास तो नॉलेज है और जिसको किताब नहीं मिली तो वो क्या है वो उम्मी है ठीक है उम्मी के बारे में यानी नॉन ज्यूज नॉन क्रिश्चियन जो यहूदी नहीं है जो नसरानी आ, नहीं है उसको ये लोग क्या कहते थे उम्मी अनपढ़ ये लोग हमारे पास किताब है हम पढ़े लिखे लोग हैं हमारे पास इल्म है हमारे पास व्हाट इट इज कॉल्ड तोरात और इंजील है तो हम पर तो अल्लाह का एहसान है कि हम कैसी कैसी उम्मत है पढ़ी लिखी उम्मत है और जिसको इन दोनों किताब में से कोई किताब नहीं मिली वो कैसे हैं उम्मी लोग हैं जाहिल लोग हैं अनपढ़ लोग हैं या फिर उनको आ, उनके पास इस चीज़ का फेवर नहीं है तो उम्मी का तर्जुमा आप उम्मी भी कर सकते हैं ठीक है लईसा नहीं अलापर ना हम पर कोई जिम्मेदारी फी में अलम्मी ना उम्मियों के बारे में यानी अनलेटर्ड लोगों के बारे में जिनको कोई किताब नहीं मिली सबील सबील तीन रूट लेटर है सबील का मतलब होता है रास्ता सबील का मतलब होता है रास्ता अब यहाँ पर रास्ते का क्या मतलब होगा रास्ते का वे का मतलब होगा अकाउंटेबिलिटी पकड़ मतलब कोई पकड़ हमारी नहीं है उनकी जिम्मेदारी उसकी कोई हमें पकड़ नहीं है ठीक है जालिका वो भी इसलिए अन्ना के हम वो सब वो सब पाला कहते हैं लईसा नहीं अलापर हम पर फी में किस कि, किस बारे में अलम्मी ना उम्मियों के बारे में जो जिनको किताब नहीं दी गई उनके बारे में कोई सभी कोई पकड़ कोई मुआखजा कोई मवाखजा कोई बिलिटी सॉरी असल में सबील का मतलब होता है रास्ता लेकिन यहाँ पर तर्जुमे के तौर पर अगर उसका मीनिंग के उसमें लिया जाए तो मतलब हमारी कोई पकड़ नहीं होगी अगर अल्लाह के सामने हमारी कोई पकड़ नहीं है क्योंकि लोग तो गैर याहूदी हैं गैर न हैं तो हमारी कोई पकड़ नहीं होगी यानी ये इसलिए अमानत में खयानत करते थे क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट गलत हो गए थे इनका अकीदा गलत हो गया था देखिए जब इंसान का अक़ीदा गलत हो जाता है ना तो वो गुनाह भी नेकी समझ के कर रहा होता है और आज हम मुसलमानों से ज्यादा बेहतर इस बात को कौन, कौन जान सकता है कि कितने जब हमारे अकीदों में खलल पड़ गया तो हमने जो जो कॉन्सेप्ट नेकी के थे भी नहीं उनको नेकी बनाकर क्या कर दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको ऐसा नेकी किए चले जा रहे हैं ठीक है जिका ये बी इसलिए अन्ना के हम वो सब वाली वो सब औला कहते हैं लेसा नहीं अलापर ना हम पर फी में किसमें अलम्मी ये ना उम्मियों के बारे में अनलेट लोगों के बारे में जिनको किताब नहीं दी गई उनके बारे में सबील कोई रास्ता कोई पकड़ व यकूलू ना वा और, एंड का तर्जुमा होगा और कूलूना इसका ये क्या है मुजारे यकुलना मुजारे है तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे हम इसे या यतान का या है, इसके रूट लेटर है। और ऊना प्लूरल के लिए है जमा के लिए प्लूरल जमा तो ऊना का तर्जुमा हो जाएगा सब ठीक है या का तर्जुमा क्या होगा वो वो सब ऑल कहते हैं कहते हैं दे से एंड दे से व एंड या दे दे कैसे हो गया या का तर्जुमा ही होता है ना और ऊना मिल गया तो दे बन गया तो दे ऑल दे से क्योंकि वो कहते हैं सॉरी व और या वो सब वुलू कहते हैं वो सब कहते हैं अला हरफ जर है प्रपोजिशन है हरफे जर अला का मतलब होगा पर ठीक है ऑन अल, अल, अल्लाह मतलब अल्लाह रूट लेटर है इसके अलिफ लाम हा, अल्लाह पर उल्टा तर्जुमा करेंगे क्योंकि अला अल, अल, जो है वो क्या है हरफ जर है अल्लाह पर और वो सब कहते हैं अल्लाह पर क्या कहते हैं अल्लाह पर अल कजिब अल आ गया द के लिए इसका तर्जुमा उर्दू में नहीं करेंगे हम ये खास करने के लिए होता है वर्ड को काफ़ काफ़ बा काजिब वर्ड हम पढ़ चुके हैं काजिबीना तो कजब का मतलब होता है झूठ झूठ ठीक है लाए झूठ द लाए अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं ये ऐसा तो कोई हुक्म अल्लाह ने उतारा ही नहीं है अल्लाह ने तो सारी इंसानियत सारे इंसानों को एक उसमें वो रखा है इक्वल एक, रखा है इन लोगों ने क्या किया कि किताब वाले हैं तो अच्छे हैं और जो किताब वाले नहीं है तो उनके उनके साथ हमने क्या करना है अगर बुरा सलूक भी करना है उनको धोखे भी देना है तो हमारे लिए क्या है जायज़ है तो ऐसा तो अल्लाह ने कोई भी कभी भी तौरात में नहीं नाजिल किया था ना इंजील में नाजिल किया था तो इसका मतलब क्या इन्होंने खुद से यह बात कर ली और अल्लाह पर झूठ बांध दिया अल्लाह के ऊपर झूठ गढ़ दिया या वह या और एंड अतफ है कंजंक्शन है अतफ। और और एंड का तर्जुमा होगा हुं। हुं क्या है डिटैच प्रोनाउन डिटैच प्रोनाउन जमीरे मुनफसिल मतलब वो सब दे ऑल दे दे का तर्जुमा हो जाएगा वो सब क्या है या लमूना जैसे यकूल ऊना वैसे या लमूना को कर डिवाइड करेंगे हम या यतान का या ऊना सबके लिए आ जाएगा बचा क्या आइन मीम या, या या मतलब वो ऊना मतलब सब प्लूरल के लिए हो गया आइन मीम इल्म रखते हैं दे नो ये दोनों मिला के दे हो गया और इल्म रखते हैं यानी जानते हैं यानी जानते बूझते ये कर रहे हैं इनको पता है कि हमारे जो तौरात में ये नाजिल नहीं हुई थी इन्होंने जो किताबें बनाई उसमें क्या किया बदल किया अपने हिसाब से तब्दीलियां की ताकि हम क्या कर सकें लोगों को धोखे दे सकें लोगों से माल खड़प कर सकें तो ये सब रिश्वत और सूदखोरी ये सब इनके अंदर आम हो गया ये सारे कॉन्सेप्ट्स की वजह से ठीक तो है तो अल्लाह सुबहान तला फरमा रहे हैं कि अल्लाह पर झूठी बात बांधी है अल्लाह ने कुछ भी ऐसी बात नहीं की थी कि उम्मियों के ऊपर तुम्हारा कोई पकड़ नहीं होगी ठीक है यह अब तुम्हारे खुद का बनाया हुआ क़ीदा है चले अब हम दोबारा से इस आयत को देखते हैं हमारा वक्त भी पूरा होने वाला है बस मिला रही व और मिनसे अहल वाले अलताब किताब वालों में से या अहले किताब में से मन जो इन अगर ता तुम अमान अमानत दे दो हूँ उसको अगर तुम अमानत दे दो उसको ढेरों माल की या खजाने की या वो अद्दी अदा कर देगा ही उसको उस माल को इला तरफ का आपकी तरफ यानी लौटा देगा आपकी तरफ और अहले किताब में से वो है जो अगर तुम अमानत दे दो उसको ढेरों माल की खजाने की वो अदा कर देगा लौटा देगा उसको उस माल को आपकी तरफ व और मिनसे हम उनमें से यानी उन अहले किताब में से मन वो भी है जो इन अगर ता तुम अमाना अमानत दे दो हु उसको इन एक दीनार की ला नहीं या वो अद्दी अदा करेगा लौटाएगा ही उसको इला तरफ का आपकी तरफ वो आपकी तरफ उसको नहीं लौटाएगा इल्ला सिवाय एक्सेप्ट अब क्या करना पड़ेगा अगर एक दिनार भी आपको वापस लेना है तो इल्ला सिवाय माँ जो दुमता आप रहें दुम रहें ता आप आप रहे अलापर ही उस पर मन खड़े आप उस पर खड़े रहें भी इसलिए अन्ना के हम वो सब विपो सब कौला कहते हैं लैसा नहीं अलापर ना हम पर और नहीं है हम पर फी में इस बारे में किस बारे में सॉरी फी में अल ना उम्मीयों के बारे में यानी अः लोगों के बारे में सभीन कोई पकड़ कोई रास्ता कोई मोखा व और या वो वाउन सब पुलू कहते हैं अला पर अल्लाह ही अल्लाह पर अलजब झूठ यानी अल्लाह के ऊपर झूठ बांधते हैं व और हम वो सब या वो वाण सब इल्म रखते हैं वो सब जानते हैं यानी जानते बूझते लोगों के माल हड़प करने के लिए इन लोगों ने ये अल्लाह पर झूठ बांधा और उसके हिसाब से ये क्या करते हैं लोगों के माल गज़ब कर लेते हैं दोबारा से देखें आयत को बिसमर वमिन अहिल किताबी और अहले किताब में से किताब वालों में से वो हैं जो अगर और अहले किताब में से वो हैं जो अगर तुम अमानत दे दो उसको ढेरों माल की खजाने की वो लौटा देगा उसको आपकी तरफ आपको और उनमें से उन अहले किताब में से वो भी हैं जो अगर तुम अमानत दोगे उसको एक दिनार की नहीं वो लौटाएगा उसे आपकी तरफ सिवाय सिवाय ये के जो आप रहे उस पर खड़े ये इसलिए के वो सब वो सब कहते हैं कि नहीं है हम पर उम्मीयों में या उम्मीयों के बारे में कंसर्निंग अनलेटेड पीपल कोई रास्ता वो ये इसलिए कि वो सब कहते हैं नहीं है हम पर उम्मीयों के बारे में कोई रास्ता कोई पकड़ और वो सब कहते हैं अल्लाह पर झूठ और वो सब वो सब इल्म रखते हैं वो सब जानते हैं ठीक है दोबारा देख लीजिए हम रिपीट करते हैं रवानी और अहले किताब में से वो भी हैं जो अगर तुम अमानत दो उसे ढेरों माल या खजाने की वो लौटा देगा उसे आपकी तरफ और उनमें से अहले किताब में से वो भी हैं जो अगर तुम अमानत दो उसे एक दिनार की नहीं वो लौटाएगा उसे आपकी तरफ सिवाय ये के सिवाय ये के पिंग, पिंग बॉक्स पिंग बॉक्स हम्म इल्ला सिवाय माँ माँ जो दुमता आप रहें उस अलह ही उस पर खड़े ये इसलिए कि वो वो सब कहते हैं नहीं है हम पर उम्मियों के बारे में कोई पकड़ कोई मवाखज़ा कोई अकाउंटेबिलिटी और वो सब कहते हैं अल्लाह पर झूठ और वो सब इल्म रखते हैं वो सब जानते हैं तो यहाँ पर वो यहूद नसारा काकदा बताया गया कि वो झूठे अकीदे अल्लाह के ऊपर झूठी बात बांधते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी किताबों में तब्दीलियाँ करते हैं और अल्लाह के ऊपर झूठ बांधते हैं कि अल्लाह तआला ने कहा कि तुम यहूदियों से धोखा नहीं कर सकते बाकी जिससे चाहो तुम क्या करो धोखा करो जिसका चाहे माल हड़प लो जिसका चाहे तुम क्या करो धोखे से उसके मालों को अपने हिस्से में ले आओ तो ये उनकी किताब तालमुत में लिखा हुआ है बाकायदा और ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नहीं नाजिल हुआ था बल्कि इन्होंने खुद से इस चीज को क्या किया अपनी किताबों में ऐड कर लिया ताकि वो बातिल तरीके से लोगों के माल खा सकें ठीक है इसीलिए उनका आज जो सबसे बड़ा जो पूरा दुनिया का जो निज़ाम है सऊदी निज़ाम वो किसका बनाया हुआ है यहूदियों का बनाया हुआ है क्यों बनाया है क्योंकि वो समझते हैं कि हम दूसरों से अगर माल एक्स्ट्रा ले लेते हैं हड़प लेते हैं गजब कर लेते हैं तो हम पर कोई पकड़ नहीं होगी अल्लाह ने क्या फरमाया वह यकूलून अल्लाहल वो अल्लाह पर झूठी बातें करते हैं अल्लाह के ऊपर झूठ बांधते हैं और वो ये सब जानते हैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी आयत मुकम्मल हुई दुमता के मीनिंग दुमता का मतलब होता है रहना कॉन्स्टेंटली हर वक्त रहना ठीक है माँ जो दुमता हर वक्त रहें ता आप आप रहे हर वक्त अल ही उस पर कायमन खड़े यानी कि अगर एक दिनार भी आप देंगे उसे तो उसकी नियत उस पर क्या हो जाएगी खराब हो जाएगी और आपको उसके सर पर खड़ा रहना पड़ेगा कि भाई मेरा माल जो था मेरी अमानत जो थी मुझे वापस कर दो तो दुमता के मीनिंग हो जाएंगे माँ का तर्जुमा तो आपको पता है माँ जो दुम का मतलब है दाल व मीम इसके रूट लेटर है दवाम से बनाइए दवाम का मतलब है कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट मतलब हमेशा हमेशा रहना तो हमेशा रहें और ता किस चीज का ता है ये ये पास्ट का, माजी का ता है, तो आप रहें हमेशा ही उस पर कौमन खड़े आप उस पर हमेशा खड़े रहेंगे तब वो क्या करेगा तो तुम्हारा माल लौटाएगा वरना नहीं लौटाएगा ठीक है तो ये उनका कॉन्सेप्ट बयान किया जा रहा है इज दैट क्लियर जी वो सब जानते थे फिर भी ये काम किया करते थे चले अल्हम्दुलिल्लाह रिपीट कर देते हैं एक बार और अहले किताब आयत नंबर सेवेंटी फाइव रिपीट कर रहे हैं हम और अहले किताब में से वो हैं जो अगर तुम अमानत दो उसे ढेरों माल की खजाने की वो लौटा देगा उसे आपकी तरफ और उनमें से वो भी हैं जो अगर तुम अमानत दो उसे एक दिनार की नहीं वो अदा करेगा नहीं वो लौटाएगा आपकी तरफ इल्ला सिवाय ये के सिवाय ये कि जो आप हमेशा रहें खड़े आ, हमेशा रहें उस पर खड़े ये इसलिए कि उन सब ने कहा कि नहीं है हम पर उम्मीयों के बारे में कोई पकड़ कोई मवाखजा और वो सब कहते हैं अल्लाह पर झूठ और वो सब जानते हैं वो सब इस बात का इल्म रखते हैं अलहदुल्लह यहाँ पर हमारी आया नंबर सेवेंटी फाइव मुकम्मल हुई बारकल वयन سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ولا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقني تفقرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفه بمعانيه والنظر في أجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين يا رب العالمين